आज हम फिजिक्स के एक लेक्चर के बारे में समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म इन मैटर। मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है उसके बारे में हम समझेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिज्म इन मैटर, पदार्थों में चुंबकत्व। यानी कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब किसी वायर में करंट पास करवाते हैं तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना। जब भी हम किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार के चारों तरफ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण क्रिएट होता है? तो आंसर है विद्युत धारा के कारण क्रिएट होता है ना। तो विद्युत धारा किसके कारण बना? तो आंसर है कि जब तार में इलेक्ट्रॉन चलता है ना। क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन चलता है। जब तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो विद्युत धारा बनती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा। तो इसी तरह से जितने सारे दुनिया में मटेरियल बने हुए हैं, सब के सब मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है। और अगर किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा। कुछ ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमको नेचर में दिख जाते हैं और कुछ ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, है ना। तो उसी तरह से दिखने वाला एक मैग्नेट था जो मैग्नेशिया शहर में पाया गया था। सबसे पहले मैग्नेशिया शहर में एक चट्टान था जिसपे क्या है, लोग उस चट्टान से क्रॉस करके वहां के लोग बकरी वगैरह चराया करने के लिए जाते थे। तो जब वो जाते थे बकरी चराने के लिए तो होता क्या था कि उसके पैर में वहाँ का चट्टान का छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो चिपकना शुरू हो जाता था। यानी कि वो जो चप्पल पहनते थे उस चप्पल में लोहे का कील लगा रहता था और उस कील में चिपकना शुरू हो जाता था। तो जैसे वो पत्थर चिपकना शुरू होता था तो लोगों को परेशानी होती थी चलने में। तो वहीं से ये मैग्नेट शब्द क्रिएट हुआ है और जो भी पत्थर था उसका नाम मैग्नेट रखा गया। यानी मैग्नेशिया शहर में खोज हुआ तो उसका नाम क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया, है ना। और उस मैग्नेट को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम नेचुरल मैग्नेट। जिसका एक प्रॉपर्टीज हमको दिखने लगा, वो प्रॉपर्टीज क्या था कि वो आकर्षण करता था। किसी भी वस्तु को क्या करता था? आकर्षित। जैसे कि वो चल रहा है तो चल रहा तो उसके पैर में चिपक जा रहा, तो चिपकना मीन्स आकर्षण करना, है ना। तो मैग्नेट का एक प्रॉपर्टीज हमको मिल गया। वो पहला प्रॉपर्टीज क्या मिला कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है किसी भी लोहे के टुकड़े को अट्रैक्ट कर सकता है, या फिर मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि वही पत्थर जो मैग्नेशिया शहर में पाया जाता था उसी पत्थर को जब दूसरे पत्थर के पास यानी सेम सेम पत्थर के पास लेके जाते थे तो चिपकता था। पत्थर से कहने का मतलब हो रहा है यहाँ पे कि वो मैग्नेट है, पत्थर नहीं है, क्या है? मैग्नेट, है ना। और उसके पास एक गुण था, पहला गुण अट्रैक्शन का, मतलब वो अट्रैक्ट करता था। बाद में चीन ने इसको बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च किया है और उसने ये बताया कि ये जो पत्थर है, ये जो मैग्नेट है, उसको अगर हम फ्रीली लटका देते हैं, है ना, अगर उस मैग्नेट को हम क्या किए, फ्रीली लटका दिए, तो जैसे ही हम उसको फ्रीली लटकाते हैं तो वो मैग्नेट हमेशा कहाँ रुकता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में, है ना। यानी कि हम ऐसे अगर बांध करके लटका दिए इसको तो ये हमेशा कहाँ जा करके रुकेगा? उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो दूसरा एक प्रॉपर्टी जो और मिल गया कि अच्छा ये जो पत्थर है वो उसके पास एक डायरेक्शन का प्रॉपर्टीज है। एक तो सबसे पहले मिला था अट्रैक्शन और दूसरा क्या मिल गया? डायरेक्शन का। इसी तरह से इस पे और रिसर्च करते चले गए और हम लोगों को बहुत सारा प्रॉपर्टीज मिलते चला गया। और हम इसमें कुछ पॉइंट बना करके लिखेंगे। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि चुंबक लोहा को आकर्षित करता है ना। चुंबक का एक प्रॉपर्टीज है कि लोहा को क्या करता है? आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि जब
स्वातंत्र पूर्वक। किसी चुंबक को लटका दिया जाता है तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जब हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली लटकाते हैं तो वो हमेशा कहां रुकता है? उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है ना। चलिए अच्छा तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि किसी भी मैग्नेट के, मान लो कि एक बार मैग्नेट है ना, कि या कोई छड़ चुंबक है, एक बार मैग्नेट है, तो उस पूरे मैग्नेट पर दो ऐसे पार्ट हमको मिलते थे, दो ऐसे भाग हमको दिखता है जिस पे आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, यानी आकर्षण की शक्ति जो होती है उस पार्ट पे बहुत ज्यादा होता है। और मान लो कि वो भाग अगर ये वाला है और ये वाला है, तो अगर हम लोहे के टुकड़े को लेके जाते हैं किसी मैग्नेट के पास, तो इस पूरे मैग्नेट में दो ऐसा पार्ट हमको मिलता है जहां पे आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, यानी चुंबक का वह भाग जिस पे आकर्षण का गुण है ना, आकर्षण की शक्ति बहुत ज्यादा हो, उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है, चुंबक का ध्रुव है ना। और चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा क्या होता है? साउथ, है ना। एक नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। असलियत में ये दो नहीं बल्कि एक ही है, है ना। जैसे कि अगर हम किसी धारावाही क्वाइल में अगर आई धारा प्रवाहित कर दे, तो आई धारा जब प्रवाहित करेंगे किसी क्वाइल में, आई धारा मान लो कि क्लॉकवाइज चल रहा, तो अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा है ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट करेगा, जैसे आई धारा चल रही इस तरह से क्लॉकवाइज, यहां पे देखेंगे हम तो ऐसे करके हाथ लगा करके देखें तो इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर से देख रहे हैं बाहर, यानी कि हमको एक फेस जो है, एक फेस हमको कैसा दिखने वाला है? नॉर्थ के जैसा, और एक फेस कैसा दिखने वाला है? साउथ के जैसा। अगर इसी में देखें तो हमको क्या दिखेगा? ये चल रहा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये नॉर्थ के जैसा दिखेगा। और इसी का अपोजिट अगर देखेंगे, ये अगर सर्कल ऐसे रहता और इसमें चल रहा है ऐसे एंटी, तो इधर से देखेंगे तो हमको कैसा लगेगा? ये ऐसे चल रहा है ना, तो इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज और इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एक तरफ से हमको नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा और दूसरे तरफ से साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। तो एक ही लूप है मेरे पास, लेकिन सामने से देख रहे हैं तो नॉर्थ और पीछे से देख रहे हैं तो कैसा दिखता है? साउथ दिखता है। तो जिस तरह से किसी चीज का बैक होता है, या फ्रंट रहेगा तो बैक होगा, बैक रहेगा तो फ्रंट रहेगा, उसी तरह से जहां पे उत्तरी ध्रुव रहेगा वहां पे दक्षिण भी रहेगा, और जहां पे दक्षिण रहेगा वहां पे उत्तर ध्रुव भी रहेगा, है ना। तो मैग्नेट का कितना ध्रुव होता है? दो ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक हो गया उत्तरी ध्रुव और दूसरा हो गया दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, तो अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या है कि अगर उत्तरी ध्रुव किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव को दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेके जाते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है ना, और अगर उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है? आकर्षण होता है, यानी कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
यानी कि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर रहेगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, है ना। और अगर नॉर्थ साउथ होगा, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं कि अगर नॉर्थ है और साउथ है तो अट्रैक्ट होगा। जिस तरह से चार्ज में पढ़े थे हम कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है, और प्लस प्लस सॉरी प्लस और माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है, और प्लस के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। यानी सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उसी तरह से पोल में भी है, मैग्नेट के पोल में भी, कि अगर सेम सेम पोल रहेगा तो रिपेल होगा, है ना, और अगर अपोजिट रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट। यानी नॉर्थ नॉर्थ में दुश्मनी है और नॉर्थ और साउथ में क्या है, बड़ा ही प्यार है ना। चलिए तो यहां तक क्या आप लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं कि जब किसी चुंबक, अच्छा पृथ्वी के बारे में, सॉरी पृथ्वी जो है, पृथ्वी हमारा जो पृथ्वी अर्थ है वो भी एक चुंबक के जैसा बिहेव करता है ना। यानी कि पृथ्वी पृथ्वी एक चुंबक के जैसा बिहेव करता है, यानी कि अर्थ है, इसका भी अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ये अर्थ का नॉर्थ है, ये अर्थ का साउथ है। तो अर्थ का जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, या फिर चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो साउथ से निकलती है और नॉर्थ में एंटर करती है, साउथ से निकलती है और नॉर्थ में एंटर करती है। इस तरह से अर्थ मैग्नेटिज्म है, साउथ से निकली और नॉर्थ में एंटर की। बट ऐसे जनरल किसी मैग्नेट को लटकाते हैं तो उसका जो बल रेखाएं बनता है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर करती है। बट अर्थ का क्या है, साउथ से निकलती है और नॉर्थ में एंटर करती है। तो अर्थ भी एक चुंबक के जैसा बिहेव करता है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से निकलती है और नॉर्थ में प्रवेश करती है। चलिए अगला हम पॉइंट देखेंगे कि अगर हम किसी चुंबक को काट दें, जैसे एक चुंबक है, एक बार मैग्नेट है, तो एक बार मैग्नेट का नॉर्थ भी है और क्या है, साउथ भी है। लेकिन अगर हम इसको बीच से काट दें तो क्या साउथ अलग हो जाएगा और नॉर्थ अलग हो जाएगा? नहीं। अगर हम किसी चुंबक को बीच से काट देंगे, अभी देखने में लग रहा है ना कि अगर हम बीच से काट देंगे तो नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम किसी चुंबक को काटेंगे तो ये कटा हुआ भाग और इधर भी कटा हुआ भाग, तो इधर जो कटा हुआ भाग है इसमें तो नॉर्थ तो था ही पहले से, लेकिन अपने आप साउथ पोल भी बन गया। उसके बाद इधर पहले से साउथ था तो इधर अपने आप नॉर्थ पोल बन गया। जैसा कि अभी पहले ही बताया कि अगर कोई भी मैग्नेट है तो उसके पास अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो साउथ भी रहेगा और साउथ रहेगा तो नॉर्थ भी रहेगा, यानी दोनों कभी अलग हो ही नहीं सकता है। असलियत में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है किसी मटेरियल में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बनता है। तो नॉर्थ साउथ अगर हम इसको भी अलग कर दें तो इस छोटे से टुकड़े में भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा, यहाँ पर भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा, इसको काट देंगे तो यहाँ भी नॉर्थ साउथ बन जाएगा, यहाँ भी नॉर्थ साउथ। ऐसे काटते काटते हम एक एटम के पास चले गए, एटम में जाकर के देखे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा, और जब किसी लूप में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एक तरफ से देख रहे तो नॉर्थ और दूसरी तरफ से देख रहे तो साउथ दिखेगा हमको, है ना। तो हम किसी भी चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बन गया। किसी चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है, किसी चुंबक के ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता है। चलिए अब हम क्या मैग्नेट बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम मैग्नेट बना भी सकते हैं और मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय, बर्बाद यानी खत्म भी कर सकते हैं। तो चुंबक बनाया भी जा सकता है और चुंबक को नष्ट भी किया जा सकता है।
चुंबक बनाया जा सकता है एवं इसे नष्ट भी किया जा सकता है। तो चुंबक को बना भी सकते हैं और चुंबक को, चुंबकीय गुण को नष्ट बना कैसे सकते हैं? तो आंसर है कि जैसे हम किसी एक, मान लो कि एक रॉड लिए, लोहे का रॉड, उसमें तार लपेट दिए, और जैसे तार लपेटने के बाद उसमें करंट पास करवाएंगे तो लोहे का रॉड क्या होगा, मैग्नेट के जैसा बिहेव करना शुरू कर जाएगा, है ना। या फिर एक मैग्नेट के पास लोहे के कील लेके गए और उसको उससे घिसे तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाता है, तो चुंबक को बना सकते हैं ऐसे करके। नष्ट कैसे करेंगे? तो अगर हम किसी चुंबक को गर्म करके, है ना, उस पर हथौड़ा चला दिए तो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगा, चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। तो चुंबक को बनाया भी जा सकता है और चुंबक को नष्ट भी किया जा सकता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हेडिंग लगाना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या इसी को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं, है ना। जैसे विद्युत बल रेखाएं था वैसी चुंबकीय बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता था कि किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है और उस बिंदु पर विद्युतीय बल का परिमाण बताता था। ठीक उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं में क्या होता है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श लाइन खींचेंगे तो वो स्पर्श लाइन क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, है ना, और उस पॉइंट पर चुंबकीय बल का परिमाण भी बताएगा। अच्छा, चुंबकीय बल रेखाएं बनाते कैसे हैं? तो ध्यान से समझेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं बनता कैसे है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, उसका साउथ पोल है किसी बार मैग्नेट का। तो इस बार मैग्नेट के नजदीक एक और मैग्नेट लेके आते हैं, जैसे कि ये मान लो कि एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। तो हम क्या किए कि एक और मैग्नेट को लेके आए और उस मैग्नेट को, मान लो कि जो मैग्नेट हम लेके आए थे उसका नॉर्थ पोल को, उसका क्या किया हम, नॉर्थ पोल को ला करके हम इस नॉर्थ पोल की तरफ रखें। तो जैसे ही हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ ला के रखते हैं तो ये नॉर्थ क्या करता है, इसको रिपेल करता है, ठीक है, मतलब ऐसे दूर भगाता है। फिर जब हम यहां रखे तो इसको ऐसे लेके गया, इस तरफ खींचा, फिर यहां रखे तो ऐसे खींचा, फिर यहां रखे तो ऐसे खींचा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और वापस आकर के ये साउथ पोल नॉर्थ को खींच लिया। फिर से देखेंगे, एक मैग्नेट लिए, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका क्या है, साउथ पोल है। हम क्या किए, एक अदर मैग्नेट लेके आए जिसका नॉर्थ पोल को यहां ला के रखे, जैसे यहां ला के रखे तो देखे इस तरफ उसको खींच रहा था, कोई ना कोई फोर्स उस पर लग रहा, बिना टच वाला फोर्स। जब यहां पे आया तो हमको लगा कि अच्छा इधर कोई साउथ होगा, लेकिन यहां जब ला के रखे तो देखे और आगे खींचा, फिर यहां रखे तो ऐसे खींच रहा, फिर यहां से आकर के टच कर गया। चलो तो अब इसको हम ग्राफिकली रीजन में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो जैसे ये नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल है, हम कोई अदर मैग्नेट का मान लो कि नॉर्थ पोल को ला के रखें, तो जैसे नॉर्थ पोल को ला के रखते तो वो उसको रिपेल करता है, इस डायरेक्शन में रिपेल करता है, यानी कि ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ऐसे। उसके बाद हम इस नॉर्थ पोल को यहाँ लेके गए तो देखे कहीं ना कहीं इधर इसको अट्रैक्ट कर रहा, फिर यहाँ लेके गए तो इधर अट्रैक्ट कर रहा, फिर यहाँ लेके गए तो इधर अट्रैक्ट कर रहा, तो हमको ऐसा लगा कि इधर कोई ना कोई ऐसा साउथ पोल होगा जो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा। उसके बाद जब हम और आगे बढ़े, जब यहाँ लेके गए तो देखे उसको नीचे अट्रैक्ट कर रहा, तो हमको लगा नीचे साउथ होगा, लेकिन और जब थोड़ा सा नीचे आए तो देखे इधर अट्रैक्ट कर रहा। अब सबको हम वेक्टरली जोड़ दिए, तो जब जोड़े तो फाइनली हमको ऐसे मिला, ये लाइन ऐसा मिला हमको, यानी कि नॉर्थ से निकल रहा है
और कहाँ एंटर कर रहा? साउथ में एंटर कर रहा। और इस लाइन को हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये लाइन जो है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये लाइन जो है ये काल्पनिक होता है, दिखता नहीं है। हम अगर मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेट को लेके जाएंगे तो या तो अट्रैक्ट कर लेगा या तो रिपेल कर लेगा, लेकिन लाइन हमको दिखने वाला नहीं है। तो ये लाइन कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अच्छा, ये लाइन कहां से निकलती है? तो नॉर्थ से निकलती है। और कहां एंटर करती है? साउथ में एंटर करती है। नॉर्थ लाइन, नॉर्थ पोल से, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है और साउथ में एंटर करती है। इस तरह से हम नीचे देखेंगे या फिर इसको हम अच्छे से बना लें, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर कर गई। फिर अगर हम इधर देखेंगे तो नॉर्थ से निकला और साउथ में एंटर कर गया। तो बाहर में, किसी मैग्नेट के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। लेकिन मैग्नेट के अंदर में क्या होता है? ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। यानी किसी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और अंदर में क्या होता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो नीचे से इसका डेफिनेशन लिख लो कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र जब किसी चुंबकीय क्षेत्र जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के उत्तरी ध्रुव जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के उत्तरी ध्रुव को रखा जाए तब उस पर कार्य करने वाला बल तब उस पर कार्य करने वाला बल के कारण तब उस पर कार्य करने वाला बल के कारण वह जिस रेखा के अनुदिश गति करेगा वह जिस रेखा के अनुदिश गति करेगा उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। उसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। हो गया। तो हम वही चीज लिखा है कि किसी नॉर्थ पोल या साउथ पोल को जब हम लेके जाएंगे तो वो जैसे जैसे घूमेगा वही लाइन क्या बन जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? प्रॉपर्टीज, गुण, है ना? तो पहला गुण इसका क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये जो लाइन्स है ये नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है बाहर में, और अंदर में क्या है? साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। तो पहला पॉइंट में लिखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। एंड दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। चलिए दूसरा पॉइंट में लिखिएगा
ये बंद वक्र बनाती है, ये बंद वक्र बनाती है। बंद वक्र का मतलब हुआ कि नॉर्थ से साउथ गया, फिर साउथ से नॉर्थ आया। बट विद्युत बल रेखाएं जो है सिर्फ प्लस से माइनस के तरफ जाता है, माइनस से प्लस की तरफ नहीं आता है। लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या है कि नॉर्थ से साउथ गया तो अंदर साउथ से नॉर्थ भी आता है, इसलिए ये बंद वक्र होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेगा, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, है ना। जैसे कि अगर ये नॉर्थ से निकल रहा तो अगला जो जाएगा वो बिना काटते हुए नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। अगर मान लो कि कहीं पे कट जाता है, इस पॉइंट पे अगर कट जाता है, इधर का डायरेक्शन इधर, इधर का डायरेक्शन इधर, और इस लाइन का डायरेक्शन इधर, लेकिन जिस पॉइंट पे ये कटेगा वहां से अगर टेंजेंट खींचेंगे तो इस पॉइंट पे बी की दिशा इधर बताएगी और इसी पॉइंट पे बी का दिशा इधर बताएगा। मतलब एक ही पॉइंट पे बी का दो दो दिशा बता रहा, जो कि असंभव है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। एक लूप में एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल एक ही दिशा बताएगा, तो ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला पॉइंट लिखेगा, जहां बल रेखाएं पास पास होती है, जहां बल रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र, जहां बल रेखाएं पास पास होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, मतलब बहुत शक्तिशाली होता है, अधिक प्रबल होता है। हो गया। तो जैसे कि इस रीजन में क्या होगा, बल रेखाएं अगर एक सर्कल बनाए तो यहां पे तीन तीन आ गया, लेकिन यहां पे एक सर्कल बनाएंगे तो दो ही बल रेखाएं क्रॉस कर रहा, तो जहां पे सबसे ज्यादा क्रॉस करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो ज्यादा होगा, और जहां पे कम रहेगा वहां पे क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा कहां पे स्ट्रेंथ होगा, इस पॉइंट पे। उस तरह से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां होगा, इस पॉइंट पे, यानी कि पोल के निकट। किसी भी मैग्नेट का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पे होता है, मैग्नेट के पोल के निकट होता है। क्लियर है यहां तक के? चलिए अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखना, किन्हीं दो चुंबकों के कारण, किन्हीं दो चुंबकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन्हीं दो चुंबकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं किन्हीं बिंदुओं पर सॉरी किन्हीं बिंदुओं पर कोई बल रेखा उपस्थित ना हो, किन्हीं बिंदुओं पर कोई बल रेखा उपस्थित ना हो तो उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल, तो इस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय बल शून्य होगा, अर्थात उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं, अर्थात उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम एक नॉर्थ पोल लिए किसी एक मैग्नेट का और किसी दूसरे मैग्नेट का भी हम नॉर्थ पोल ही लिए,
तो नॉर्थ पोल से जो बल रेखाएं होंगे वो कहीं ना कहीं इधर से देखेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, इधर से देखेंगे तो ऐसे निकल जाएगा, यहां से देखेंगे तो ये ऐसे निकल गया और यहां से देखेंगे तो ये ऐसे निकल गया। यानी कि इस रीजन में कोई भी बल रेखाएं नहीं आता है। यहां से ये इधर, यहां से ये इधर, यहां से ये इधर, यहां से ये इधर, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ है तो जो भी बल रेखाएं ऐसे आ रहा बल रेखाएं तो ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा और कुछ इधर भाग जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु, इसको लिख लो उसी पॉइंट के नीचे। हाँ, एस एस में भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना, सेम पोल होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे हम विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब दो चार्ज जो है मिल करके, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो, बट उसकी नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस दूसरा क्या माइनस, और दोनों मिल करके एक सिस्टम तैयार करता है, उस सिस्टम को हम कहते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसी तरह से चुंबकीय द्विध्रुव भी होता है कि अगर विजातीय, मतलब कि एक अगर नॉर्थ है तो दूसरा क्या होना चाहिए, साउथ, विजातीय ध्रुव, है ना, अपोजिट, या फिर अनलाइक पोल्स। विजातीय ध्रुव अगर किसी मैग्नेट में एक दूसरे से काफी नजदीक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डायपोल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, मैग्नेटिक डायपोल। तो आप इसका डिफाइन लिख लेना कि यदि यदि दो विजातीय ध्रुव, लिखते हैं दो विजातीय ध्रुव जिनकी ध्रुव प्रबलता समान हो तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, तब इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो विजातीय ध्रुव यानी कि एक नॉर्थ तो दूसरा क्या होना चाहिए, साउथ, दो पोल्स, और अस्ट्रेंथ में, पोल की जो अस्ट्रेंथ है, ध्रुव प्रबलता, वो क्या होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। तो और एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर हो तो इसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है, तो बार मैग्नेट हो सकता है इसका एग्जाम्पल। अच्छा, और क्या हो सकता है, करंट लूप हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैग्नेटिक नीडल। बार मैग्नेट, करंट लूप, जैसे बार मैग्नेट, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से क्या है, काफी नजदीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल कह सकते हैं। करंट लूप
करंट लूप तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि ये है एक लूप जिसमें मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा, ठीक है, ये इस तरह से फ्लो कर रहा, तो इसको हम देख रहे हैं, तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हमको ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। देखो एरो यहाँ कहाँ रहा, नीचे, करंट का डायरेक्शन नीचे, तो हम नीचे लिए, और इधर देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन किधर, ऊपर, तो ये जस्ट लाइक नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। अब इसी का बैक अगर देखेंगे, अगर सामने से हमको करंट ऐसे लग रहा तो पीछे से देखेंगे तो करंट कैसा लगेगा, ऐसे ही लगेगा, यानी करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो सामने से तो हमको लग रहा है एंटी क्लॉक, लेकिन इधर से देखेंगे तो कैसा लगेगा, क्लॉकवाइज। तो पीछे से इसका फेस कैसा दिखेगा हमको, क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब ये ऐसा दिखेगा पीछे से, बैक साइड से, बैक साइड से ये कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो अगर क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये कैसा है, साउथ। दोनों का एरो सेम ही ले लिए थे, है ना, तो ये नीचे और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो क्लॉकवाइज जो रहता है करंट किसी लूप में, तो वो साउथ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, ये नॉर्थ पोल का, और दोनों के दोनों क्या है, एक ही क्वाइल में है, दो क्वाइल में नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, एक ही क्वाइल में, एक ही क्वाइल में, सामने से नॉर्थ तो पीछे से क्या दिख रहा है, वो साउथ। हमने ये जाना है कि अगर दो विजातीय ध्रुव, प्रबलता दोनों का सेम होना चाहिए, डिस्टेंस दोनों का क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई, मान लो ये है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, बहुत ही नजदीक में होता है एक दूसरे से, तो ये भी क्या है, मैग्नेटिक डायपोल का एक एग्जाम्पल है। चलिए यहां तक के क्लियर है। अब अगर हम देखें कि धारावाही लूप, धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में, जैसे कि अभी हम लूप जो ले रहे थे ना, बस इसी लूप की बात कर रहे हैं कि ये लूप जो है चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा दिखता है ना। जैसे अभी हम बता रहे थे कि अगर हम एक एक लूप लें और इसको हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे, तो ये हमको नॉर्थ पोल के जैसा दिखेगा, और इसी को अगर हम दूसरे साइड से, पीछे वाला साइड से देखेंगे, तो ये हमको कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, ये साउथ के जैसा दिखेगा, है ना, इधर से देखे तो साउथ और इधर से देखे तो नॉर्थ, इधर देख रहे हैं तो नॉर्थ, इधर देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, साउथ हो जा रहा है। यहां तक के क्लियर है। अच्छा, अब इस लूप में अगर मान लो कि आई करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, है ना, जैसे मान लो यहां भी आई कर रहा है, यहां भी आई कर रहा, तो अगर इसमें आई तो इसमें भी आई, दोनों का सेम, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही लूप है ना, दोनों क्या एक ही लूप है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग अलग है, आगे से देख रहे हैं तो पीछे, यानी जिसका फेस है, यानी जिसका सामने वाला फ्रंट है तो उसका बैक भी होगा, जिसका बैक है तो उसका फ्रंट भी होगा, है ना। तो हाँ, तो ये क्या है, साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ, दोनों का करंट क्या है, सेम है। अब अगर इसको डिफाइन कैसे करते हैं धारावाही लूप में चुंबकीय द्विध्रुव को, कि अगर किसी लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही हो, या किसी लूप में जो भी धारा प्रवाहित हो रही हो, और उस लूप का एरिया, लूप में प्रवाहित धारा और लूप का एरिया, दोनों के गुणनफल को हम कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं उसको, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर यहां तक है? चलिए तो नीचे लिखिएगा, क्या छे, हाँ, तो लिखिएगा कि किसी धारावाही लूप में प्रवाहित धारा, किसी धारावाही लूप में प्रवाहित धारा किसी धारावाही लूप में प्रवाहित धारा
तथा लूप का क्षेत्रफल। तथा लूप का क्षेत्रफल के गुणनफल को, लूप के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हो गया। अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? M से। और ये वेक्टर है, ठीक है। M क्या है? मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि। वैसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। तो M बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो किसका किसका गुणनफल? I और एरिया। तो मान लो कि इस लूप का एरिया कितना है, रेडियस कुछ आर होगा अगर सर्कुलर रूप है, तो एरिया हम इसका ए मान लेते हैं। तो आई इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एम बराबर क्या होगा? आई ए होगा, है ना। और अगर इसी में मान लो कि कॉयल में एन फेरे हैं, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एन आई ए। अगर फेरा है तब, न है तो न है तो सिर्फ आई ए, और अगर कॉयल में एन फेरे हैं तो क्या हो जाएगा? एन आई ए। तो एम बराबर क्या हो गया? एन आई ए। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका मात्रक। तो आई का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि। अच्छा, इसकी दिशा, तो इसकी जो दिशा है वो कैसे फाइंड करते हैं? हम धारावाही लूप की बात कर रहे हैं। अभी हम किस डायपोल की बात कर रहे हैं? धारावाही लूप की। तो धारावाही लूप में अगर हम लोगों को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ज्ञात करना हो, फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम क्या लेंगे कि लूप, लूप में धारा के दिशा में अपने दाहिने हाथ का, है ना, बायां ने किसका? दाहिने हाथ का। दाहिने हाथ के चारों उंगली को धारा की दिशा में घुमाएंगे, और जब अंगूठा, अंगूठा जिस दिशा में रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो ऐसे लूप को घुमाएं तो किधर जा रहा अंगूठा? बाहर। इसमें देखेंगे तो किधर जा रहा? अंदर। यानी कि अंदर लूप का इस तरफ देखेंगे तो अंदर, और अगर करंट इधर फ्लो कर रहा तो किधर जा रहा? बाहर जा रहा है ना। तो ये हो गया इसका दिशा। दिशा कैसे निकालेंगे? तो अपने दाएं हाथ के चारों उंगली को धारा की दिशा में रखेंगे, तो अंगूठा जिस दिशा में रहेगा वही किसका दिशा बताएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा बताएगा। तो धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में क्लियर हो गया, है ना। क्यों होता है? क्योंकि एक ही लूप में दो दो तरह का पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। उसका आघूर्ण कितना होता है? एम बराबर एन आई ए। इस पर क्वेश्चन भी हो सकता है छोटा छोटा, कि आई का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, एम फाइंड करना, या किसी किसी में ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आई ना दे करके मैग्नेटिक फील्ड दे दे, है ना। अब वहां से मैग्नेटिक फील्ड से पहले आई फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया दिया हुआ रहेगा, एम निकालेंगे। तो बहुत तरह का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। अब हम देखेंगे छड़ चुंबक का द्विध्रुव। ये तो हो गया धारा लूप का, अभी एक देखे थे, लिख लो इसको। लिखने में कोई देरी नहीं करना, पानी पी लेते। हाँ, यहाँ पर भी होगा। चलो, तो हम अब देखेंगे छड़ चुंबक। का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। छड़ चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण, जैसे कि एक छड़ चुंबक है,
ये उसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो इसका डाइपोल मोमेंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मान लो कि इस पोल की जो स्ट्रेंथ है, यानी कि ध्रुव प्रबलता जिसको कहते हैं, इस ध्रुव इस पोल की जो प्रबलता है, स्ट्रेंथ, शक्ति है, वो कितना है? एम है। कितना है? एम। ऐसे डिफाइन होता है, एम जो होता है वो एफ बाई पी, यानी प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि इस नॉर्थ पोल का या फिर साउथ पोल का, क्योंकि कंडीशन है कि द्विध्रुव होने के लिए दोनों का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर मान लो कि इस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ कितना है? एम है। और इसकी प्रभावी लंबाई, यानी कि किसी चुंबक का ध्रुव प्रबलता और उसकी प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ कहते हैं कि जहां जहां पे इफेक्ट बनाता है। एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, यानी यहां से यहां तक की लंबाई को हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्यामितीय लंबाई। लेकिन इफेक्टिव लंबाई कहां से है? तो इफेक्टिव लंबाई जहां ध्रुव है, जहां तक के ध्रुव है, जैसे यहां तक नॉर्थ, यहां तक साउथ, तो इफेक्टिव लंबाई ये होगा जहां से ध्रुव स्टार्ट होता है, एंडिंग होता है, ठीक है, वो दोनों के बीच की लेंथ को क्या कहते हैं? इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। और ऐसे तो इसका ज्योमेट्रिक लेंथ कुछ भी हो सकता है, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है लगभग, यानी कि किसी चुंबक की जो ज्यामितीय लंबाई और इफेक्टिव लंबाई, प्रभावी लंबाई के बीच जो रिलेशन होता है वो 5/6 गुना के बराबर होता है लगभग। तो चलो हम इसकी स्ट्रेंथ को क्या मान लिए? एम। और इसकी इफेक्टिव लंबाई को क्या मान लेते हैं? एल। तो एम इंटू एल को क्या कहेंगे हम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, छड़ चुंबक का द्विध्रुवाघूर्ण। और इसको भी किससे लिखेंगे हम? एम से लिखेंगे। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू एल हो जाएगा। यानी इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें, एम, ये एम है ध्रुव प्रबलता, जहां एम ध्रुव प्रबलता मतलब कि इसकी शक्ति, इस नॉर्थ पोल की शक्ति कितना है अगले किसी मैग्नेट को खींचने के लिए या फिर रिपेल करने के लिए। तो एम ध्रुव प्रबलता है, और L जो है प्रभावी लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ। क्या इसका मान दिया होता है? हाँ, M का मान रहेगा। अच्छा, इसका मात्रक तो लिखे लिए थे, इसकी दिशा जो होती है साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, साउथ से नॉर्थ, समझ जाना, साउथ है और ये नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ की ओर, इसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जैसे कि पहला नंबर में देखते हैं कि अगर मान लो कि एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका क्या है? साउथ पोल। और मान लो कि इसका स्ट्रेंथ जो है वो कितना है? एम। स्ट्रेंथ कितना है इसका? एम। अब इसको हम क्या किए कि लंबाई के दिशा में बीच से काट दिए, ऐसे करके काट दिए, तो काट दिए तो ये वाला भाग क्या हो गया? ऊपर। और ये वाला भाग क्या हो गया? नीचे। तो अब जो शेप बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ये वाला नॉर्थ था तो ये भी नॉर्थ ही रहेगा, ये भी साउथ रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? इसमें ये जो ओरिजिनल वाला है और जो कट करके आया, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि दोनों का जो स्ट्रेंथ है, पोल का जो स्ट्रेंथ है, शक्ति जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम लंबाई के अनुदिश काटते हैं, किसी चुंबक को उसके लंबाई के दिशा में काटेंगे तो उसकी ध्रुव प्रबलता जो है आधी हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो पहले कितना था, अब कितना हो गया? m/2। यानी कि अब इसका m/2 हो गया,
इसका भी m बाई टू रहेगा क्योंकि दोनों का क्या होता है, सेम होता है mm, तो ये m बाई टू हो गया। क्लियर है यहाँ तक के? लेकिन लेंथ, लेंथ वही है, हाँ दूरी जो अब भी इफेक्टिव लेंथ, अगर पहले इफेक्टिव लेंथ l था तो अब भी इफेक्टिव लेंथ कितना रहेगा, l ही रहेगा। तो l तो वही है लेकिन डिस्टेंस, स्ट्रेंथ क्या हो गया इसका, कम हो गया। तो अगर हम देखें, कंपेयर करें कि इसमें, इस मैग्नेट में और इस मैग्नेट में, दोनों को हम जब कंपेयर करें और कंपेयर करके हम ये फाइंड करें कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या अंतर आएगा, यानी किसी चुंबक को उसके लंबाई के अनुदिश काट दिया जाए तो उसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगी। क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि किसी चुंबक को उसके लंबाई के अनुदिश काट दिया गया, तब उसकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगी। तो देखते हैं, तो पहले जो था इसका डाइपोल मोमेंट था एम इन टू एल, यही था ना, एक इक्वेशन ले लिए। अगला जो आया एम डैश, वो एम डैश क्या हो गया, अब स्ट्रेंथ क्या हो गया यहाँ पे, एम बाई टू एन टू, लेंथ तो सेम ही, कोई दिक्कत है तक। एम इन टू एल को हम क्या कहें, तो यहाँ पे एम लिख सकते हैं, यानी एम बाई टू, तो एम डैश क्या हो गया, एम बाई टू के बराबर हो गया। यानी कि जब हम किसी चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटते हैं तो उसकी ध्रुव प्रबलता, उसकी ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती है, एवं चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होता है, आधी, m बाई टू, पहले कितना था अब कितना हो गया, तो दोनों चीज क्या हो गया, आधी, ध्रुव प्रबलता भी आधी हो गया और उसका चुंबकीय आघूर्ण भी आधी हो गया। क्लियर यहां तक के? चलिए हम यहां पर लिख देते हैं कि जब किसी चुंबक को लंबाई के अनुदिश काटा जाता है तो उसकी ध्रुव प्रबलता एवं चुंबकीय आघूर्ण आधी हो जाती है। तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देखते हैं कि एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अभी हमने क्या किया था कि लंबाई के अनुदिश इसको दो भाग में बांटा, अब क्या करते हैं, इसको लंबाई के लंबवत दो भाग में बांट देते हैं, है ना, यानी कि मैग्नेट लिए और 20 से ला करके कट कर दिए इसको, जैसे केक काटते हैं, है ना। तो ये नॉर्थ, लेकिन इसका जो पहले वाला स्ट्रेंथ था वो क्या था, एम था, और लेंथ इसका कितना था, एल। तो जब हम बीच से काटे, तो जैसे ही हम बीच से काटे तो ये मैग्नेट इतना छोटा हो गया और ये मैग्नेट इतना छोटा हो गया, तो यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ भी साउथ बन गया, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ बन गया। जैसे कि हम पहले से जान चुके हैं कि जब किसी मैग्नेट को काटते हैं तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाता है अपने आप, तो नॉर्थ साउथ आ गया। लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ थी, पहले एम थी अब भी एम ही है, स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ पर भी जो स्ट्रेंथ था साउथ का वो कितना है, एम, लेकिन परिवर्तन किस चीज में आ गया, लंबाई में। पहले था एल लंबाई का, अब इसकी जो लंबाई हो गई वो एल बाई टू होगी, हम बीचों बीच से काटे हैं तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगा, एल बाई टू, इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगा, एल बाई टू। यहां तक क्लियर? अब हम कंपेयर करना चाहते हैं कि अगर हम किसी मैग्नेट को लंबाई के लंबवत काट दें तो उसका चुंबकीय आघूर्ण पे क्या असर होगा। पहले तो देखेंगे कि ध्रुव प्रबलता पे क्या असर होगा। तो ध्रुव प्रबलता पहले कितना था, एम, अब भी कितना है, यानी ध्रुव प्रबलता पे कोई असर होगा, नहीं होगा। तो जब हम किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत काटेंगे तो ध्रुव प्रबलता पे कोई असर नहीं होगा, यानी कि वो सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बट अगर लंबाई का अनुदिश काटते थे तो ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती थी, लेकिन अभी आधी नहीं हो रही। अब देखते हैं क्या आघूर्ण पे कोई असर होता है। तो पहले वाला आघूर्ण, यानी इस मैग्नेट का ओरिजिनल वाला, तो ओरिजिनल वाला क्या है, एम इन टू, इसकी लंबाई कितना है, एल, एम इन टू एल। चलिए अब देखते हैं इसका क्या होगा। तो इसका देखते हैं, तो एम डैश मान लिए, एम डैश इज इक्वल टू एम, यहां पर भी है बट एल के जगह पे क्या है, यहां पे एल बाई टू। तो एम इन टू एल क्या है, एम के बराबर है, तो एम बाई टू फिर वैसी हो गया, है ना, यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो गया, आधी। बट
सॉरी स्ट्रेंथ क्या है इसकी, पोल स्ट्रेंथ क्या है, वही है, सेम है ना, अनचेंज। तो क्या क्या हुआ लिख लेते हैं। चलो तो इसका रिजल्ट लिखते हैं कि जब किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत, लंबवत काटा जाता है तो इसकी ध्रुव प्रबलता नहीं बदलती है परंतु इसका आघूर्ण आधी हो जाती है। आघूर्ण क्या होता है इसका, आधा हो जाता है। अब इसका हम तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस में क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक छड़ चुंबक है नॉर्थ साउथ, और इसका जो स्ट्रेंथ है वो एम है और लेंथ जो है इसका क्या है एल। हम क्या किए कि इसको मोड़ दिए है ना, और मोड़ने के बाद इसको अर्धवृत्ताकार बना दिए ऐसा। मैग्नेट को काची काची करना पड़ रहा है ना। तो नॉर्थ साउथ था पहले, छड़ था ऐसे, अब इसको क्या किए मोड़ दिए। तो मोड़ दिए जब हम, तो यहां पे नॉर्थ रहा यहां पे साउथ रहा, तो अब इसका आघूर्ण क्या होगा। इसका जो स्ट्रेंथ है अब भी वही एम है लेकिन आघूर्ण क्या होगा, तो आघूर्ण एम और एल दोनों पे डिपेंड करता है। तो अब इसका जो एल होगा वो ये वाला लेंथ हो जाएगा, और ये वाला लेंथ जो है अगर मान लो सपोज कि इस अर्धवृत्ताकार की रेडियस आर है तो एल जो हो जाएगा इसका वो किसके बराबर, सॉरी एल बोलते हैं, इसकी जो लंबाई होगी एल डैश जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2R के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक के। अब इसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाले m डैश इज इक्वल टू, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा m बराबर m इंटू एल, इसका जो होगा m डैश बराबर m इंटू 2R, क्या हो जाएगा m इंटू 2R। अब देख रहे हैं कि m इंटू एल रहता तो हम m पुट कर देते हैं, स्मॉल m इंटू एल रहता तो क्या पुट कर देते m, लेकिन m इंटू क्या 2R, तो R को हम क्या करेंगे हटाएंगे है ना। तो R को हटाने के लिए, तो चूंकि ये जो L लंबाई का था छड़ वही मुड़ के क्या हो गया अर्धवृत्ताकार, यानी कि L जो है अब पाई R के बराबर होगी। अर्धवृत्ताकार की लंबाई क्या होगा पाई R, इसकी जो परिधि होती है पाई R, और किसके बराबर हो गया L के बराबर हो गया। तो यहां से अगर हम R का वैल्यू निकाल लें तो R बराबर क्या हो जाएगा L बाई पाई, तो R के जगह पे पुट कर सकते हैं, तो M डैश बराबर M, इसमें इस इक्वेशन में M इंटू टू आर के जगह पे क्या पुट कर दे L बाई पाई। कोई दिक्कत यहां तक के। अब देखो M इंटू एल, M इंटू एल किसके बराबर है M के बराबर, तो M डैश बराबर क्या हो जाएगा 2, और M इंटू एल क्या हो जाएगा M बटा पाई। अरे वाला क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया m डैश बराबर 2m बाई पाई, ऑब्जेक्टिव में आया था ये वाला क्वेश्चन।